जयपुर के कानोता बांध में नहाने गए डूबे पांच लड़के, तलाशी अभियान जारी। राजस्थान में बाढ़ बारिश से कुल हुई 16 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के ऊना में 3 लोगों की मौत। बाथरी गांव में अचानक आई बाढ़, सुआ नदी के भूमखंड का हिस्सा टूटने से गई जान। ऊना में भारी बारिश का कहर, कई बच्चे हुए लापता। पानी में बहे वाहन, कई औद्योगिक फैक्ट्री को पहुंचा नुकसान। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटा, बसपा नदी का जलस्तर बढ़ा। जमीन खिसकने से कई रास्तों पर यातायात रोका गया। भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा निलंबित, बालटाल और पहलगाम के दोनों रास्ते खराब। अंबाला में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, कई इलाके में भरा पानी। अंबाला के होलसेल मार्केट की पानी में डूबा। पटना में बारिश के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया पहाड़ी इलाकों का जायजा। जल भराव के बाद हालात का जायजा लेने निकले थे सीएम नीतीश कुमार। दिल्ली में बारिश के बीच गिरी स्कूल की दीवार। न्यू अशोकनगर में स्कूल की दीवार गिरने से 6 से 7 वाहन दबे, कई जगह पेड़ों को पहुंचा नुकसान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 3 से 4 पाकिस्तानी आतंकियों के घिरे होने की खबर। अनंतनाग के कुकुरनाग में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी, आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान हुए थे शहीद। घुसपैठ रोकने के लिए ग्राम रक्षा दल के साथ समन्वय पर ध्यान दे रहे हैं सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी आरआर स्वैन ने सांबा में वीडीजी के सदस्यों की हिस्से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सेना के 2 जवान शहीद दीपक कुमार यादव और प्रवीण शर्मा को श्रद्धांजलि दी। अनंतनाग में मुठभेड़ में दोनों हुए थे शहीद। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई, राजौरी में चलाया गया चेकिंग अभियान, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी। विवादास्पद बयान पर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की सफाई, कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। फारूक अब्दुल्ला ने सेना पर उठाए थे सवाल। बीजेपी नेता आरएस पठानिया ने फारूक अब्दुल्ला के बयान की निंदा की, फारूक अब्दुल्ला के बयान को देश के प्रति सेना की कुर्बानी का अपमान बताया। कोलकाता में महिला डॉक्टर्स की हत्या से नाराज, आज देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल, आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर बाकी सेवाएं होंगी प्रभावित। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी मामले को लेकर डॉक्टरों में रोष, दिल्ली में डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च, मामले की सीबीआई जांच की मांग। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर गरमाई सियासत, विपक्ष ने जांच की बात कही, राहुल गांधी के संयुक्त सदस्य समिति जांच की मांग। हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपी सेबी ने खारिज किए, कहा आरोपों की हुई जांच, माधवीपुरी बूच ने मामलों से खुद को पहले ही अलग कर लिया था। विपक्ष पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी ने पूछा कांग्रेस के पीछे किसका हाथ, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर लिखा क्या राहुल ने हिंडनबर्ग को हायर किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने किया डांस, किश्तवाड़ में एक शादी में चुनरी के साथ लोक संगीत की धुन पर झूमते हुए नजर आए। पूर्व पश्चिम सिक्किम को जोड़ने वाला इंद्राणी पुल फिर से बनकर हुआ तैयार, आज होगा उद्घाटन, बीआरओ ने बनाया है पुल। वाराणसी के बीएचयू गर्ल्स हॉस्टल में शॉर्ट सर्किट से हुआ तेज धमाका, गुस्साए छात्रों ने वीसी आवास का घेराव किया। अमेठी में बच्चों के बीच मामूली विवाद में 2 पक्ष भिड़े, दोनों पक्षों के बीच चले लाठी और डंडे, मारपीट में कई लोग घायल। जौनपुर में एक लड़के को तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल, चोरी के आरोप में लड़के के साथ हुई मारपीट, बाल भी काटे गए, 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बिहार के मुजफ्फरपुर में 5 लाख की रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने घर पर की फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात, पीड़ित ने पुलिस में की शिकायत। पटना में करंट लगने से 17 साल के लड़के की मौत, गुस्साए परिवार वालों ने सड़क पर किया हंगामा, बिजली विभाग के खिलाफ हुए नारेबाजी। गुजरात के नवसारी में बाइक से स्टंट करने के वीडियो आए सामने, स्टंट के चक्कर में कई लड़के घायल, पुलिस से भी उलझे स्टंटबाज। हरियाणा में नामधारी डेरे के 2 गुटों में हिंसक टकराव, दोनों के बीच चली गोलियां, 6 लोग घायल। मुंबई के बोरीवली इलाके में कावड़ यात्रा पर असामाजिक तत्वों ने किया पथराव, किसी के घायल होने की खबर नहीं, जांच में जुटे पुलिस। मिर्जापुर में चर्च पर चला बुलडोजर, वन विभाग की जमीन पर अवैध निर्माण और धर्मांतरण करने का आरोप। मुंबई में ट्रेन की टक्कर से एक पुलिस कांस्टेबल की मौत, रेलवे ट्रैक पर कान में हेडफोन लगाकर चल रहा था पुलिस कांस्टेबल। लखनऊ में धर्मांतरण के मामले में मौलवी गिरफ्तार, लड़की का धर्म परिवर्तन कर निकाह कराया गया, एक आरोपी पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। छत्तीसगढ़ में महिला की हत्या केस में पर्दाफाश, महिला के पूर्व पति और प्रेमी ने मिलकर की थी हत्या, जंगल में दफना दिया गया था महिला का शव। पेरिस ओलंपिक्स के समापन पर पीएम मोदी का ट्वीट, पीएम मोदी ने ओलंपिक्स में भारतीय दल के प्रदर्शन की तारीफ की, आगे के लिए शुभकामनाएं दी। पेरिस में ओलंपिक्स के आखिरी दिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे, पेरिस में 10,000 जवान तैनात किए गए। पेरिस में आईफिल टावर पर चढ़ा एक शख्स, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा।
विनेश फोगाट की मांग पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन 13 अगस्त को शाम 6 बजे सुनाएगा फैसला। विनेश फोगाट ने सिल्वर मेडल की मांग की है। चरखी दादरी में पहलवान विनेश फोगाट के पक्ष में उत्तरी खाम पंचायत, ओलंपिक में न्याय दिलाने की मांग की। विनेश के साथ साजिश का आरोप लगाया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले पर नई सरकार ने जताई चिंता। अंतरिम सरकार की कैबिनेट ने कहा इस मुद्दे पर काम चल रहा है। शेख हसीना के अधूरे भाषण में अमेरिका पर बड़ा आरोप। शेख हसीना का आरोप, सेंट मार्टिन द्वीप चाहता था अमेरिका, मैंने मना किया। शेख हसीना के बेटे ने किया बड़ा दावा का, मां के नाम से प्रकाशित इस्तीफे का बयान गलत और मनगढ़ंत। बांग्लादेश में अब सेना के काफिले पर हमला, 4 आर्मी जवान समेत 15 लोग घायल। गोपालगंज इलाके में सेना के काफिले पर हुआ हमला। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ देश भर में गुस्सा। रांची में निकाला गया आक्रोश मार्च, बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने की अपील की। संभल में हिंदू संगठनों ने किया विरोध, बांग्लादेश के पीड़ित हिंदुओं को भारत में लाने की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ मुजफ्फरपुर में हिंदू संगठनों ने निकाला आक्रोश मार्च। पीएम मोदी और विदेश मंत्री को संयुक्त राष्ट्र संघ से बात करने की अपील की। पाकिस्तान की कराची में हुआ माइनॉरिटी राइट्स मार्च, पाकिस्तान के कई धार्मिक समुदाय के लोगों ने अल्पसंख्यक अधिकार मार्च में हिस्सा लिया। लंदन के टावर ब्रिज पर पहुंचा आईएनएस सबर, भारतीय प्रवासियों ने मनाया जश्न। आईएनएस सबर भारत के सबसे पुराने युद्धपोतों में से एक है। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में टीटीपी आतंकियों और पाकिस्तानी सेना के बीच जबरदस्त झड़प, कई सैनिकों की मौत, आतंकियों ने सैन्य चौकियां कब्जाई। इसराइल की सेना ने एक और युद्ध अभ्यास किया, 646वीं रिजर्व ब्रिगेड ने दुश्मन के इलाकों और पहाड़ी इलाकों में आगे बढ़ाने की एक्सरसाइज की।